सारे भाई नब्बे मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। इस टाइम आया हूं इंद्रगढ़ में, और या वो लोकेशन है कोई भी मंत्री से काम आओ तो आड़ा है उसका प्रोग्राम हुआ करा भाई। तो यहां पे दो भाई मित्र मिल गए, उनके विचार ले लूं। वो विचार ओपनली नहीं दे सकते लेकिन कैमरे के बैक में जरूर दे देंगे क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। फिर मैं पूछूँ तो गाई राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, कौन सी सरकार आओगी? दीपेंद्र की आओगी भाई। दीपेंद्र? हाँ। दीपेंद्र क्यों? हैं, अच्छा है आदमी, बहुत बढ़िया। कौन से काम था हुआ? हैं, मदीना। मदीना से है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। कौन सी सरकार? दीपेंद्र जी। दीपेंद्र, पक्की बात है? पक्की करती है, ठीक है। लो लाइट है भाई, लाख नमाज रहता है ना बस। अच्छी बात है, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई जी समझ तो गया हो गया, सरकारी कर्मचारी भाई। चलो राम राम। तब तब ठीक ठाक? ठीक भाई। तब इलेक्शन आएगा, किसकी सरकार होनी चाहिए भाई? देख हम तो क्या बताऊँ, आओगे जब वोट गिर सका हम तो क्यों कर गिरेंगे। हाँ राम राम जी। राम राम। किसकी सरकार होगी? सरकार तो भाई मोदी की आनी चाहिए। मोदी की? मोदी की। अच्छा जी, मोदी ठीक है? देश हित में तो मोदी है, बट आज के दिन बस रोहतक में दीपेंद्र थोड़ा स्ट्रॉन्ग बताइए है क्या लगा? देश हित में तो मोदी बढ़िया है, बाकी दीपेंद्र भी ठीक है। देश हित में तो मोदी बढ़िया है, बाकी दीपेंद्र भी ठीक है, बढ़िया है दीपेंद्र भी, लेकिन देश हित में देखे तो मोदी है। मोदी ठीक है, ओके ठीक है। राम राम जी। राम राम। किसकी सरकार? सरकार का तो बेरा कौन है जी, आड़ा दीपेंद्र का भारी पलड़ा है जी, भारी पलड़ा है। गांव में कितने वोट है टोटल? गांव में होंगे जी 1500-1600। पोल कितने को जाओ? पोल 1200-1300-1400 से हो जाए। तो के लग है कितने के वोट दीपेंद्र जी? अच्छा मुकाबला है जी, मतलब अच्छी वोट मिल जाएंगी? हाँ मिल जाएंगी जी, मिल जाएंगे। ओके राम राम भाई। राम राम जी। भाई किसकी सरकार होगी? भाई सरकार का तो कुछ नहीं बता सकते। रोहतक का कैसे है? रोहतक देखो वैसे दीपेंद्र हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मोदी तो सही है। ये तो कोई बात नहीं, एक का नाम ले दो ना। तो कुछ एक का नाम नहीं ले सकते ना एकदम। अच्छा हाँ, ये किसकी आ जा? अब बल्कि हम तो मोदी ने चाहो तो आ जाए तो और अच्छा है। अच्छा हाँ जी। ओके आप किसने लाग राजी? मोदी ने। मान लो मोदी ने लाग राजी को देता है। राम राम जी। राम राम भाई। कौन ठीक है जी भाई? हूँ तो बढ़िया, तो दीपेंद्र आ रहा है लगेगा तो भाई। अच्छा जी। हाँ बस यही है भाई। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। कौन सी सरकार भाई? कंपटीशन है तगड़ा। अच्छा हो सकता है कि भाई दीपेंद्र की अपनी छवि रोहतक में तो है ही, लेकिन बीजेपी आने की संभावना है क्योंकि कैंडिडेट तगड़ा हो गया अभी। यहाँ कैंडिडेट की वजह से अरविंद शर्मा तगड़े हैं। अरविंद सिंह शर्मा कई जगह अनुको है कि ना वो ढीला आदमी है, कदे उस पार्टी में चला जाओ, कदे उसमें चला जाओ, कदे उसमें चला जाओ ना आदमी ने। तो अरे कोई जानदार आया है वोट ही मोदी की जाओ भी है। मोदी की। हाँ जी। कौन ठीक है? मोदी। हाँ जी मोदी। मोदी ठीक है जी। बाकी भाई यो काम सीक्रेटली बताऊँ, दीपेंद्र जी का काम है, मतलब यहाँ पे उनका बहुत तगड़ा होल्ड है और यहाँ पे सबने झंडे उतार रखे हैं, बिगन है भाई। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई जी ठीक ठाक? ठीक ठाक। आप सुना भाई साहब? एकदम बढ़िया जी। किसकी सरकार हो? सरकार दीपेंद्र की। दीपेंद्र को? दीपेंद्र हुड्डा की बिल्कुल श्योर है, उस तो बढ़िया नेता, रोहतक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इस गांव में 1600 वोट है। पोल कितने को जाएंगे? पोल हो जाए 1300। कितने मिल जाएंगे दीपेंद्र? 800 मिल जाएंगे। 800? हाँ। और बीजेपी ने कितने मिल जाएंगे? और सारे आगे 500 में सबके में बीजेपी। हाँ सब कुछ। हाँ और भाई 23 मई ने मेरे तक मिल बिली हो 700 वोट तो दीपेंद्र की पाऊंगी, कम तो कम बताऊँ 600 में सबके में पाऊंगा। ओके हाँ चलो जी। आर जी दोनों में मेरा डब्बा है। हाँ जी। राम राम भाई। राम राम भाई। कौन सी सरकार? सरकार कांग्रेस सरकार भाई। कांग्रेस या दीपेंद्र? दीपेंद्र। मतलब कांग्रेस बढ़िया कि दीपेंद्र बढ़िया? दीपेंद्र बढ़िया। दीपेंद्र हाँ जी। तो दीपेंद्र ने वोट जमा? दीपेंद्र। कांग्रेस ने कौन जानती? कांग्रेस ने भी जाऊँगी, दीपेंद्र ने भी जाऊँगी। अच्छा राम राम जी। राम राम भाई। कौन सी सरकार? दीपेंद्र। दीपेंद्र हाँ जी। हाँ जी दीपेंद्र जी। दीपेंद्र सारी उसी राम राम उससे के बैठे हम तो सारी दीपेंद्र के जी। हाँ दीपेंद्र के। दीपेंद्र क्यों? दीपेंद्र क्या था? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, हमारे लिए तो बढ़िया है, हमने बढ़िया लग गए है। अच्छा हाँ संतुष्ट हो दीपेंद्र? हाँ कोई कमी है नहीं छोड़ता किस बात की भी। अच्छा हाँ भाई रे दीपेंद्र। दीपेंद्र हाँ जी।
कौन मानस ठीक है? दीपेंद्र है। दीपेंद्र ठीक है। तो जी इस टाइम लमणी का टाइम आ रहा है भाई, बड़े मुश्किल तय बुजुर्ग मिले हैं और लगभग गांव खाली सा रहा है, सारे जा रहे हैं। तो भाई आपने वीडियो किसी लागी कमेंट कर दियो, क्योंकि अब हमारे यहाँ दीपेंद्र के गढ़ में मतलब रोहतक हल्का जो पूरा है वो दीपेंद्र का है और तीन बार जी लगातार जीतते आ रहे हैं। बहुत अंगा लगाना पड़ेगा बीजेपी ने, जेजेपी ने और जो पार्टियां हैं, दीपेंद्र को हराना मुश्किल ही नहीं। बिरानी के क्या कर आ गए। तो भाई दीपेंद्र जी की एक अलग इमेज है, कांग्रेस की अलग इमेज है, लेकिन पर्सनली दीपेंद्र जी की अलग इमेज है। और हाँ जी एक और बात है, जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएगा ना, हमारा इंद्रगढ़ गांव बहुत ही शांति प्रिय गांव है, दीपेंद्र की सारी वोट पड़नी है। इब जब कोई की मैं विचार रखता हूँ सारी वोट दीपेंद्र की पड़नी है, या तो फिलहाल की है, ये तो इलेक्शन के 20 दिन और हैं, सब दीपेंद्र की वोट गिरेंगे। तीन बार दीपेंद्र साइड का जो है थोड़ा सा अलग लग है उस साइड का, जब ये संग तीन बार का रिकॉर्ड देख लो इंद्रगढ़ का, दीपेंद्र 500 वोटा तो जीते हैं तीनों बार लगातार। चाहे आप रिकॉर्ड कटवा के देख लो इंद्रगढ़ गांव का, छोटा सा गांव है, मोदी लहर थी जब भी 563 वोटा दीपेंद्र जीता था। ओके भाई गढ़ तो है यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बाकी यो गढ़ कब तक बना रहेगा और कौन इसमें सुराख कर पाओगा देखेंगे भाई। तब तक राम राम भाई, जय हिंद।